बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन जलफ्रेजी बनाएंगे। उसके लिए मैंने चिकन लिया है 1 किलो, 4 मैंने अनियन लिए थे उसको मैंने इस तरह काट लिया है, ये शिमला मिर्च है, पेपर, ये 3 तरह के हैं मेरे पास, ये मैंने थोड़े थोड़े लिए हैं। आपके पास एक हो तो ग्रीन एक कलर का हो तो एक ले ले। इस तरह मोटे मोटे से मैंने काट लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने चिली पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1.5 टीस्पून गरम मसाला लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने टमाटो प्यूरी ली है, 4 टेबलस्पून मैंने योगर्ट लिया है, दही, 1 मैंने अनियन दिया है, ये मैं बाद में ऊपर से डालूंगी, ये मैंने 1 टमाटो लिया है, 1/2 कप मैंने ऑयल का लिया है। ऑयल मेरा गरम हो चुका है, इसमें मैं अनियन डाल दूंगी। अब इसको मैं फुल फ्लेम पे भूनूंगी अच्छी तरह से, थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए तब तक इसको भूनूंगी। इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, इसको थोड़ा सा भून लूंगी 1 मिनट के लिए। अब इसमें मैं सारे मसाले डाल दूंगी, इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी, 1 टेबल स्पून मसाले ना देने। अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी, आप चिकन को लंबा भी काट सकते हैं, मैं इसी तरह ही लेके आई थी मीट शॉप से। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी 10 मिनट के लिए। पहले मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको हाई फ्लेम पे पहले 6 मिनट के लिए हाई आंच पे पकाया है, बाद में इसको मैंने कवर करके 5 मिनट के लिए पकाया है, 5 से 6 मिनट के लिए। अब फिर मैंने फ्लेम हाई कर दिया है, अब इसमें मैं टमाटो प्योरी भी डालूंगी, अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अब इसमें मैं दही डाल दूंगी, इसको मैंने अच्छी तरह फेंक दिया है। अब इसको मैं मिक्स करूंगी। अच्छी तरह से भूनूंगी 5 मिनट के लिए। अब मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है, अब मैं इसमें शिमला मिर्चें, पेपर, अनियन डालूंगी इसमें। एक मैंने अनियन लिया था उसको मैंने मोटा मोटा काट लिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अब मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पे पकाऊंगी, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी, हरा धनिया 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून, इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इसको 2 मिनट का मैं दम दे दूंगी, थोड़े से नरम हो जाए, फिर मैं इसको टमाटर थोड़े से नरम हो जाए फिर मैं इसको सर्व करूंगी 2 मिनट के। मेरी चिकन जलफ्रेजी रेडी है। मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दुआओं में याद रखिए, बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।